हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारे पास एक बोल्ड टिप जो कि प्रॉपर पूरी उसकी फॉर्म में है। बट गाइस, ये है हमारे पास बोल्ड टिप जिसके मैंने अंदर के गियर्स निकाल दिए हैं। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया है, हमारा नया बेबलेट आने वाला ना, एक कुछ सिल्वर वुल्फ करके, उसमें कुछ ऐसा ही है भाई। ये पूरा राउंड है, तो मैंने भी कोशिश की इसको राउंड करने की, बट राउंड तो नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा उसके लिए मेहनत नहीं, कुछ अजीब सा ही कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया। बट मैंने इसके गियर्स को निकाल दिया है गाइस। उससे हम ये देखेंगे कि ये गियर्स कितना अच्छा काम करते हैं, मतलब गियर्स के बिना बेबलेट कितना अच्छा काम करते हैं। देखो, मेरे पास है ये ड्रेन सोर्ड, ठीक है। इसमें अगर हम गियर्स डालें तो ये देखो क्लिक्स होते हैं, ये ऐसे, मतलब पूरा स्मूथ नहीं है, ये क्लिक्स हो जाते हैं भाई, ठीक है। सेम जो ये वाला गियर्स वाला है, इसमें भी ये देखो क्लिक्स है। अगर मैं सुना पाऊँ तो रुको, माइक से सुनाता हूँ, कुछ ऐसे, ये ऐसा कुछ क्लिक्स हैं। एंड गाइस, ये वाला जो है इसमें मैंने ये हटा दिया है, तो इसका देखना है। ओ भाई, इसमें क्लिक्स ही नहीं है, ये देखो कोई साउंड नहीं है भाई। एंड ये देखो, ये हो गया फ्री स्पिनिंग सिस्टम। मामला कुछ ऐसे है कि देखना ये है कि फ्री स्पिनिंग होके कितना झंडे गाड़ेगा। नाइस, इससे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है भाई, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। देखते हैं फ्रिक्शन कितना काम आएगा गाइस हमारे, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं हमारे महाशय, इस महाशय के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसका मॉडिफिकेशन कर देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ी रैचिट, क्या कहते हैं उसको, पत्ती छोटी छोटी नहीं गाइस, क्या कहते हैं यार, हाँ जो भी है, ये कौन सी है, 180 है क्या, ये यही ले लेते हैं भाई। ये और उसमें क्या फ़र्क था मेरे को ये देखना है। हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं है, वही ले लेते हैं भाई, ये सुंदर लग रही है, इसलिए ये हमारे उसकी है, क्या कहते हैं, कोबाल्ट ड्रेक की। ओके, और ये बिल्कुल फ्री स्पिनिंग हो गया भाई सिस्टम, ये देखो बिल्कुल ही बैरिंग की तरह काम करता है ये, ठीक है। देखते हैं भाई कितना ज़्यादा असर करेगा। 5 बेबलेट से हम इसकी फाइट करेंगे, और 5 में से 5 पहले नॉर्मल से यूज़ करेंगे इस वाली से, और फिर करेंगे हम विदाउट गियर वाली से यूज़, और 5 बैटल उसके साथ करेंगे, ठीक है। देखेंगे भाई कौन सा मोड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हटा देते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग बाद में आएगी। ओके गाइस, और हाँ, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि ऐसा ऐसा खतरनाक कंटेंट हम लाते रहते हैं। ओके, तो ये है महाशय, एंड ये कर दिया मैंने लॉन्च। क्या एक्सट्रीम डैश भी काम नहीं करेगा? हाँ भाई, नहीं कर रहा एक्सट्रीम डैश, काम ही नहीं कर रहा इसमें। एक्सट्रीम डैश काम करने के लिए मेरे ख्याल से उन गियर्स का होना बहुत ज़रूरी है। रुको, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। भाई नहीं हो रहा भाई, एक्सट्रीम डैश काम नहीं करा। ओके, किया। एक बार के लिए मुझे लगा था कि एक्सट्रीम डैश नहीं काम करेगा, बट हाँ हमारा काम हो गया है। ओके, करते हैं इसकी बैटल। भाई ये तो बर्स्ट, अच्छा ये तो ओके, ये दूसरे वाला है गाइस। देखते हैं यार कितना अच्छा निकलेगा ये, मेरे को लगता नहीं है कुछ अच्छा काम करेगा, बट हाँ हम कर सकते हैं ट्राई। रुक जाओ, आओ चिचा, हमारा लेफ्ट स्पिन लॉन्चर तो टूट गया है गाइस, बट राइट स्पिन अच्छा है। ओके, फिनिक्स विंग से करते हैं इसकी बैटल। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। विजेट रोड, फिनिक्स विंग को क्या दिक्कत रहती है भाई, फिनिक्स विंग हमेशा ही बाहर जाने की पूरी पूरी फिराक में रहता है। ओके, दोबारा करते हैं फिनिक्स, तोते उड़ा दे भाई। ये ना 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 ना, विजेट रोड विनर है गाइस, पहला बैटल फिनिक्स के नाम, सॉरी विजेट रोड के नाम। ये है लियोन क्रेस्ट, इससे करते हैं भाई, ये जीत जाएगा। देखते हैं, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। भाई जीत जाना चाहिए यार, थोड़े से अलग अलग आइडियाज़ मैं ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को वीडियोज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है इसलिए। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। नाइस अटैक ब्रो, लेकिन जीत जाएगा लियोन क्रेस्ट ही मेरे ख्याल से भाई, तोते उड़ा देगा ये सबके ही। ओके, 2, 3, 4 छः बेबलेट हो गए ये तो, रुको एक को हटाना पड़ेगा। ओके, तो विजर्ड एरो हार गया है इस महाशय से, लियोन क्रेस्ट से। इसको रखते हैं अलग से। और गाइस अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेबलेट जो कि है हमारे पास चेन इंसिंडियो, चेन साइथ इंसिंडियो।
इसका नाम है हैश ब्रो वाला इंसेंडियो, चेन इंसेंडियो। लेट्स सी। ओ भाई ओ भाई ओ हो हो, एक्सट्रीम डैश फिनिश। लेकिन गाइस हमको स्टैमिना फिनिश देखना था भाई, एक्सट्रीम डैश फिनिश थोड़ी देखना था। ओके दोबारा करते हैं, स्टैमिना फिनिश चाहिए, एक्सट्रीम डैश नहीं। कमॉन कमॉन कमॉन, यह भाई चेन इंसेंडियो काम तो बड़ा मस्त करता है यार, अटैक पे अटैक लगातार किए जाता है भाई। ये टेपर बिट इसका काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, बस इसकी एक ही दिक्कत है टेपर बिट की, ये रिंग आउट जल्दी हो जाता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ये टेपर बिट एक्सटेंड है गाइस, नॉर्मल टेपर बिट नहीं है। ओके ये जीत गया है इससे चेन इंसेंडियो से। और नेक्स्ट जो बेब्लेड है हमारा ड्रैन स्वॉर्ड है, जो कि डेडलीस्ट है, इसको देखते हैं बर्स्ट कर पाएगा क्या, क्योंकि बर्स्ट भी हम काउंट करेंगे और उसमें देखेंगे क्या उसको बर्स्ट कर पाएगा। कमॉन भाई, ये तो हार गया हमारा ट्रेंसवोर्ड चिचा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ट्रेंसवोर्ड ब्रो चमत्कार दिखा, नहीं दिखा पाया गाइस, हार गया है। एक ही बेब्लेड जीता है अभी तक, मेरे को शायद सारे ही स्टैमिना टाइप से करना चाहिए था, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अटैक टाइप से करने का इसका। ओके 3 2 1 हो जाए इशू। भाई क्या टिका के मारा है यार, भाई साहब पूरा टाइम लेके मारा है यार ये अटैक तो। नाइस ग्रैंड बस्टर, दो बेब्लेट्स जीत गए हैं। बारी है इसको हटा के हमारे फ्री स्पिनिंग ड्राइवर या बिट कह लो बिट की, ये देखते हैं भाई। ये बिल्कुल फ्री स्पिनिंग है तो मे भी कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिले इसको, और मे भी बर्स्ट रेजिस्टेंस भी मिले, उसका नहीं पता मुझे, मिलेगा भाई। ये देखो स्टेमिना बिट में इतना कब से होने लग गया यार, ये बर्स्ट रेजिस्टेंस फेक वालों में स्टेमिना बिट कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पर चल रही है गाइस, ये तो बर्स्ट हो ही नहीं सकती है ये बिट। अरे छिचा भाई ये क्या था। ओके जो भी है 3 2 1 हो जाए शुरू, लेट्स सी हो जाए शुरू। बहुत मुश्किल है भाई बर्स्ट करना इस चीज़ को तो। एंड गाइस आराम से जीतते हुए विजर्ड एरो चेन इंसेंडियो, भाई क्यों इंसेंडियो बोल रहा हूँ मैं, चेन साइज। कम ऑन चेन, दिखा दे अपना जलवा ब्रो, नहीं दिखा पाया गाइस, हार गया है चेन, मैं भी हार गया है। नहीं हारा भाई, जीत सकता है लेकिन स्टेमिना में शायद विजर्ड एरो ना भाई, इंसेंडियो जीत गया गाइस, एक बेब्लेड हमको जीते वाला मिल गया अलग से। ओके बारी है फिनिक्स विंग, 3 2 1 हो जाए शुरू। ओ मार दे भाई, मेन चीज होगी ड्रैन बस्टर से देखने की, उसने उसको तो भाई बुरी तरह से मार दिया था। ठीक है यार स्टैमिना में हरा दिया इसको तो। ओके दो बेब्लेट हार गए हैं एक जीता है, अब बारी है लियोन क्रेस्ट से करने की। लियोन क्रेस्ट 3 2 1 हो जाए शुरू। यह नॉट वैलिड गाइस, दोबारा करेंगे, हमको स्टैमिना फिनिश या बॉस फिनिश देखना है, ये सब नहीं देखना। चलो भाई चलो चलो चलो, ओ भाई लियोन क्रैश के तोते उड़ा दिए भाई, इतना अनबैलेंस क्यों हो गया। अरे विजर्ड एरो अनबैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को स्टैमिना इसका लियोन क्रैश से ज़्यादा लग रहा है, मे भी ज़्यादा हो, कुछ कह नहीं जा सकता है गाइस। एंड द विनर इज विजर्ड एरो। ओके तो अभी तक रिकॉर्ड मतलब स्कोर बोर्ड लगभग सेम है, इसने इसको हरा दिया तो पूरा ही सेम हो जाएगा, देखते हैं 3 2 1 हो जाए शुरू। चिचा ये नहीं करना था, या तो बर्स्ट ही करो इसको या फिर स्टैमिना में हराओ, जो कि दोनों ही मुश्किल हैं इस महाशय के लिए, क्योंकि इसका बर्स्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। टिका के मार फिर से, मार मार, अबे यार कमॉन ड्रैन बस्टर गाइस, बहुत आराम से जीत गया यार ये वाला, रुको दोबारा करेंगे
चलो 3 2 1 से शुरू हो जाए शुरू। टिका के मार ये! भाई साहब ये जो टिका के मारता है ना भाई, थोड़ा सा वेट करके जो होल्ड करके जो अटैक ठोकता है भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई इस ड्रेन बस्टर का। बड़ा इसको बर्स नहीं कर पाया फिर भी, ये तो दोबारा करना पड़ेगा यार। कम ऑन बर्स कर दे यार। देखो बहुत शिट, बहुत आराम से हरा रहा है इसको, लेकिन बर्स नहीं कर पा रहा। चलो चिचा टिका के मार मार दे। ओ चिचा, तो गाइस बर्स नहीं कर पाया ना ही स्टैमिना में हरा पाया, रिंग आउट जरूर कर देता है बहुत आराम से, लेकिन इस बार लगभग कर दिया था भाई काम। एक और ट्राई करते हैं। कमॉन कमॉन, ये बस। ओ भाई अब तो बस होना चाहिए था यार, इतनी तेज अटैक करके भी कुछ नहीं हुआ यार। भाई साहब नेक्स्ट लेवल था ये, लेकिन गाइस नहीं हरा सकता इसको स्टैमिना में। तो बात कुछ ऐसे है, ये वाला मोड जो बिना गियर्स का है वो अच्छा निकला, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं फिर भी इसकी एक और फाइट करना चाहूँगा इस महाशय से। ओके गियर पॉइंट, ये भी नहीं हरा पाया भाई। एंड एक लास्ट शार्क एज, ये हरा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन है। नहीं ये डाउन नहीं है, इसको डाउन करना पड़ेगा। ओके ये हो गया। ओ शिट, ये गाइस ये वाला नई टिप है जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया अभी, तो इसको नहीं करते हैं अभी। इसका तो रिव्यू करना था मेरे को, पता नहीं क्यों नहीं किया यार मैंने अभी तक। ये भी नए बेबलेड में आया हुआ टिप है, तो चलो अभी एक बार के लिए तो कर ही लेते हैं। इस टिप की खासियत यही है कि इसमें गियर्स बहुत कम है और गाइस बीच में टिप है, बोल टिप, इसलिए स्टैमिना का कॉम्बिनेशन है अटैक के साथ में। लेट्स सी कैसी रहेगी ये टिप, थोड़ी अजीब सी भाई। एंड देख सकते हो भाई क्यों अजीब सी है, इसने तो रेल बना दी उसकी आते ही, कुछ अलग सा ही था भाई ये तो। रुको दोबारा करते हैं। ये जो टिप है ये अलग है, देखो स्टैमिना टाइप है ना, अभी अटैक टाइप हो जाएगी टक्कर लगते ही शायद। नहीं बच गई भाई इस बार, बढ़िया टक्कर लग जाओ फिर हो जाएगी अटैक। नहीं हो रहा गाइस, दोरे उठ गए थे, माफी चाहेंगे भाई। ये टिप तो स्टैमिना टाइप बन गई यार, कभी अटैक टाइप हो जाती है कभी स्टैमिना टाइप, लेकिन स्टैमिना टाइप में जीत गई भाई विजेट एरो से ये। भाई ये टिप जीत गई। अरे रुको रुको दोबारा करते हैं। अटैक टाइप टिल्टेड लॉन्च करते हैं, शायद अटैक टाइप हो। या ब्रो, ओ बेटे, ये जो इसका टिप है ना, इसको एक्सट्रीम डैश में कम इन्वॉल्व होने के लिए बनाया गया है शायद, तो जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कुछ ऐसा ही कुछ है। तो ये टिप का रिव्यू किसको चाहिए वो बता देना, काफ़ी सही है यार, इंटरेस्टिंग है भाई, कुछ अलग सी है वो। ओके तो बात कुछ ऐसे है। एंड ये क्या हो गया भाई, ये देखो भाई ये तो हार्ड हो गया बिल्कुल ही सिस्टम इसका, क्या हुआ इसको भाई साहब, कुछ तो हो गया गाइस। अच्छा ये बर्स्ट हो गया क्या, नहीं हार्ड हो गया भाई सिस्टम। ओ अब ठीक है, देखो तो विनर है हमारा ये वाला मामला, तो यही है भाई, ये जीत गया है और ये हार गया है। ठीक है, एंड इसका जिसको रिव्यू चाहिए वो मुझे बता देना, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को भाई, पता नहीं अब तक मैंने इसका रिव्यू क्यों नहीं किया। ओके तो करते हैं समाप्ति गाइस, बाय बाय।